सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? तो फ्रेंड, आज है हमारे सामने टोयोटा की ग्लेंजा, ये आप जी वेरिएंट देख रहे हैं। आज के वीडियो में इस व्हीकल का हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली टोयोटा ग्लेंजा की प्राइस स्टार्ट हुई थी 6.66 लाख से और टॉप मॉडल की प्राइस 9.99 लाख। ये आप सेकेंड टॉप मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन देख रहे हो। फ्रंट से आप देख सकते हो, जैसे कि आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है, थोड़ा क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। फ्रंट से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक आपको इस व्हीकल के अंदर देखने को मिलता है। फ्रंट से बात करूं तो आप देख सकते हो हेडलैम्प्स के कुछ इस तरह से प्लेसमेंट है। यहाँ आपको देखने को मिलता है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ में साइड इंडिकेटर और डीआरएल का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। नीचे में बात करूं तो यहाँ फॉग लाइट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ थोड़ा क्रोम फिनिश है। कार्बन फाइबर टेक्स्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है। फ्रंट में कुछ ऐसी है ब्लैक कलर की ग्रिल, टोयोटा ग्लेंजा की बैजिंग। और अगर मैं बात करूं ग्लेंजा में सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी के अंदर में आपको देखने को मिलता है ABS, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग आपको देखने को मिलते हैं, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल सीट, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, सेंट्रली माउंटेड फ्यूल टैंक, ऑटो हेडलैम्प्स, EBD और जियो फेंस जैसे अलर्ट देखने को मिलते हैं। अगर साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। यह है 195/55R16 के रेडियल ट्यूबलेस टायर। फ्रंट में बात करूँ तो मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। कुछ ऐसे दिखता है व्हील। यहाँ आपको देखते को मिलते हैं ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ। फ्रंट में डिस्क और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। कुछ इस तरीके दिखती है प्रोफाइल, रेयर में ड्रम ब्रेक, साथ साथ आपको रेयर में टॉर्शन बीम सस्पेंशन का सेटअप मिलेगा और फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट। यह है फ्यूल लीड जहाँ से भरेंगे पेट्रोल। बैक साइड से बात करूँ तो कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको बैक साइड से देखने को मिलेंगी। यहाँ टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा। पीछे में आपको रेयर वाइपर भी देखने को मिलेगा, क्रोम का फिनिश देखने को मिलेगा। पार्टनर टोयोटा की बैजिंग, जी वेरियंट है उसकी बैजिंग और ग्लेंजा की बैजिंग आपको देखने को मिलेंगी। ये है रेयर कैमरा। यहाँ है रिक्वेस्ट सेंसर जिससे खुल जाएगा बूट, कुछ ऐसा खुल जाता है बूट, काफ़ी वाइड ओपनिंग है। यह है रिक्वेस्ट सेंसर बूट के लिए। पार्सल ट्रे भी आपको इसमें मिल जाएंगी। अब बात करूँ बूट स्पेस की, तो यहाँ आपको 318 लीटर की बूट स्पेस मिलेंगी जो कि सफिशियंट है। काफ़ी डीप बूट आपको यहाँ मिलेगा जिसमें आप अपना काफ़ी सारा लगेज भी इजीली कैरी कर सकते हैं। आपको बूट लैंप देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा हुक जहाँ अपना जो भी लगेज है वो आप कैरी कर सकते हो इजीली। ये बूट मैट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस, यहाँ से ही बंद हो जाएगा बूट। चलिए रेयर पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। क्रोम हैंडल आपको मिलेगा, ये चीज़ काफ़ी प्रीमियम सी लगती है व्हीकल के अंदर में। ऐसा खुल जाता है रेयर डोर। ये आपको मिलेगा क्रोम हैंडल, ये आपको मिलेगा थोड़ा सा लेदर सॉफ्ट टच और हार्ड टच दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल मिलेगा, कुछ ऐसे दिखती है रेयर सीट्स। रेयर पैसेंजर के लिए आपको सिर्फ 2 हेडरेस्ट ही देखने को मिलेंगे, सेंटर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। काफ़ी अच्छा लेग स्पेस। रेयर में आपको AC वेंट देखने को मिलेंगे और 2 12V की चार्जिंग पोर्ट। चलिए डोर बंद कर देते हैं। चलिए ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा रिक्वेस्ट सेंसर, कुछ ऐसा खुल जाता है ड्राइवर साइड डोर। या क्रोम हैंडल, कुछ ऐसी फिनिशिंग। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं ORVM के कंट्रोल, ऑटो फोल्ड ORVM आपको मिलेंगे, पावर विंडो के कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ आपको थोड़ा लेदर में सॉफ्ट टच मिलेंगे और हार्ड टच का कॉम्बिनेशन ब्लैक और बीच कलर में आपको मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा स्पेस जहाँ आप बॉटल होल्ड कर सकते हो, स्पीकर की प्लेसमेंट और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर।
काफ़ी प्रीमियम लुक में आपको इंटीरियर देखने को मिला। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल के आपको थोड़े ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पुश स्टार्ट बटन। चलिए अंदर बैठकर देखते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा आपको स्टीयरिंग व्हील। यहाँ स्टीयरिंग पे आपको मिलेगा टोयोटा की बैजिंग। राइट हैंड साइड पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, मोड का कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉलिंग के आपको फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ है एयरबैग की बैजिंग और कुछ ऐसा मिलेगा आपको क्लस्टर मीटर डिजिटल प्लस एनालॉग के साथ। चलिए पहले व्हीकल स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको क्लस्टर मीटर दिखाता हूँ। पुश स्टार्ट बटन है, यहाँ से व्हीकल ऑन हो जाएंगी। सिर्फ आपको प्रेस करके रखना है, देन रिलीज कर देना है, व्हीकल स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा दिखता है क्लस्टर मीटर। क्लस्टर मीटर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्पीड, RPM, इंजन टेम्परेचर, इंजन वार्निंग, फ्यूल लेवल और बहुत सारे फीचर्स। यहाँ आपको देखने को मिलेगा वाइपर के कंट्रोल, इस साइड हेडलैम्प्स के कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलती है। और यहाँ आपको देखने को मिलता है 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करेगा रेडियो, USB, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है क्लॉक, FM के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, होम बटन, कॉलिंग का फीचर भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। यह है फ्रंट में 2 AC वेंट, बीच में 1000 स्विच और यह है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं ब्लोअर की स्पीड। नीचे में आपको मिलेगा 12V का चार्जिंग पोर्ट और USB। और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आता है ग्लेंजा के अंदर। ये हैंड ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस, ये है आर्मरेस्ट सेंटर में। कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर आपको, ब्लैक और बीच कलर में। कुछ इतने स्पेस आपको मिलेगा ग्लोव बॉक्स के अंदर में। ये पैसेंजर के लिए एयर AC वेंट। ऊपर में आपको मिलेंगी रीडिंग लाइट, साथ साथ IRVM। ये है को पैसेंजर के लिए सनशेड मिरर के साथ। यहाँ भी आपको मिलेंगे एक। इस साइड में आपको मिलेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल के कुछ ऑप्शंस और हेडलाइट एडजस्टमेंट के कुछ ऑप्शंस। इस साइड में आपको मिलेगा फ्यूल लीड ओपन करने का लीवर और बोनट ओपन करने का लीवर। तो चलिए बोनट ओपन करते हैं और देखते हैं पेट्रोल इंजन। यहाँ से खुलेगा बोनट, कुछ ऐसा खुलता है बोनट। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलता है। यहाँ आपको देखने को मिलता है 1.2 लीटर 1200 cc का इनलाइन 4 सिलेंडर BS6 कंप्लायंट पेट्रोल इंजन। अगर बात करूँ इंजन के पावर की तो 88.50 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और 113 Nm का टॉर्क। अगर बात करूँ इस व्हीकल के एवरेज के बारे में तो कंपनी जो है वो 22 km/L का एवरेज जो है वो क्लेम कर रही है 37 लीटर की फ्यूल टैंक से। इंजन काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको मिलने वाला है ग्लेंजा के अंदर में और जो भी कंपोनेंट्स है, जो भी पार्ट्स है, वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किए गए हैं। तो फ्रेंड अगर आप भी टोयोटा ग्लेंजा परचेस करने का प्लान कर रहे हो तो आप पार्टनर टोयोटा विजिट कर सकते हो, जहां आपको मिलेंगी बेस्ट प्राइस और बेस्ट डील्स। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।